हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव। तो वेज पुलाव बनाने के लिए हमने लिया है, देखिए, ग्रीन प्याज लिया है और हम सूखा मसाला कोई भी नहीं डालेंगे। और ये हमने हरी मिर्च ली है, कम से कम 6 से 7 हरी मिर्च, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये शिमला मिर्च लिए हैं और ये एक टमाटर है। और इसमें देखिए, ये हमने सोया लिया है और ये धनिया की पत्ती है, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और सब्जियों में हम ये गोभी डालेंगे और एक सिर्फ हमने आलू लिया है और ये हमने कम से कम 1.5 पाव के करीब मटर है। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ हमने 250 ग्राम चावल को पहले से 1 घंटा पहले से ही भिगो के रख दिया था। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुकर में 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। तेल गरम हो गया है तो ये सबसे पहले हम ये प्याज डाल दे रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये शिमला मिर्च डाल देंगे। तो हम अच्छे से भूनेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भून गया है जितना हमें जरूरत थी। तो अब हम यहाँ पर ये गोभी आलू डाल देंगे। इसको भी 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और अब हम ये डालेंगे मटर। मटर को फ्रेंड ढक करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि थोड़ा सा मटर, गोभी, आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हम यहाँ पर ये टमाटर डाल दे रहे हैं और ये हरी मिर्च डालेंगे और साथ में डालेंगे सोया और फिर धनिया की पत्ती हम अभी नहीं डालेंगे और साथ में डालेंगे नमक 1 चम्मच, आधा चम्मच और। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको फिर ढक देंगे। ढक करके कम से कम 2-3 मिनट तक इसको हम फिर पकाएंगे। फ्रेंड, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरह से। और आजकल मटर का सीज़न है तो हर चीज़ में मटर डालो सब तो बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ी में भी डाल दो, सोया मेथी बनाओ उसमें डाल दो, पालक में, कोई भी सब्ज़ी बनाओ थोड़ा सा डाल दो तो बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया है। तो अब हम इसमें चावल डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अब चावल को भी हम अच्छे से भून लेंगे। खुशबू अभी से इतनी अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं। ये देखिए हमारा ग्लास है, यही नाप है इसका 250 ग्राम चावल का। तो ये हम पूरा 1 गिलास डाल देंगे। थोड़ा देर खुला पकाएंगे, उसके बाद हम प्रेशर लगा देंगे, खुला मतलब ढक्कन लगा करके। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल सूख गया है। तो अब हम यहाँ पर
ये धनिया की पत्ती है, आधा डालेंगे अभी। आधा डाल करके इसको मिक्स करके और प्रेशर लगा देंगे, क्योंकि चावल में अभी थोड़ा है कमी है। कम से कम 3-4 मिनट तक हम प्रेशर में रखेंगे इसको, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक सीटी आ गई थी तो हमने गैस ऑफ कर दिया था, अब इसका प्रेशर भी निकल गया है, तो अब खोल करके देखते हैं। वाओ, ये अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी भी गल गई है पर खड़ी खड़ी बिल्कुल है, बहुत अच्छी है, अमेजिंग। अब ये जो धनिया की पत्ती हम रखी थी इसको भी डाल देंगे ऊपर से। फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन वेज पुलाव रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त बना है। और फ्रेंड्स, ये है सलाद, और हमारे यहाँ इस तरह की सलाद इस मटर पुलाव से बहुत लोग पसंद करते हैं। तो इसमें नींबू वो सब चीज़ डाल करके हमने मिक्स कर दिया है, तो ये है हमारा ग्रीन मटर पुलाव। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अगर अब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।